मेरी तो यार पहले दिन में ही बस हो गई यार। दूसरा दिन व्लॉग शूट करो, अभी करते हैं, क्या कर सकते हैं अभी। मेरे को अभी ना मेरे फादर साहब ने नीचे बुलाया था कि नीचे कुछ बात करने का है। और दुनिया में पहली बात तो है, कितने फ्रॉड लोग हैं यार, इनको ऐसे इतना फ्रॉड करने के बाद सुकून की नींद आ कैसे जाती है, मेरे को तो वो समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली बात क्या है कि मेरी बहन ने ना एक्चुअली वीज़ा अप्लाई करना है, वो ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रही थी अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए। तो एक बंदे ने बोला कि वो इनका वीज़ा लगवा देगा 2.5 साल का, जिसमें कि उनका पीआर 2.5 साल में उनको मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि आप प्रॉपर्टी लोन वगैरह ले लो, जिस कंट्री का वीज़ा भाई आपको 5 साल का कुछ लगता है, वो 2.5 साल में लगवाने की बात कर रहा है। मतलब कि हमारा 40-50 लाख लगवाने की बात कर रहा है और प्रॉपर्टी लोन लेने की बात कर रहा है कि हम अपना ये जो प्रॉपर्टी है बैंक वालों को दे दे और उनसे पैसे ले लें, ताकि ये भी जाए, वो पैसा भी जाए, बहन वहाँ पे अटक भी जाए। वो चाहते हैं कि बंदे हम लोग अपनी प्रॉपर्टी के कागज अपने हाथों से ऐसा जला दे जाके, कि हम इधर से भी जाएं, वहां से भी जाएं और फुटपाथ पे जाकर सोना शुरू कर दें। मतलब कि जिनको ये सब चीज़ें हरकतें करने का है ना शौक भाई, कि बाद में तुम यहाँ पे आके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लो, लोगों को बोलो कि हमारा तो भाई बिजनेस बहुत सही चल रहा था वहाँ पे, हमको पता नहीं क्यों लोगों ने वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। सच्चाई बताओ ना वहाँ पे, कि तुमने वहाँ पे हरकतें क्या की थी, क्यों वहाँ की गवर्नमेंट तुमको वापस इंडिया भेजा गया। तो हमने कबूतरों को डाल दिया, उनका खाना मस्त खा रहे हैं, मस्त मतलब की पार्टी इनकी चालू हो चुकी है। पर छाँव में डालना चाहिए था मेरे को भी, मैंने थोड़ी गलती कर दी, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में छाँव वहाँ पे भी हो जाएगी। अब दिखाता हूँ आपको हमारे घर के आजू बाजू का सारा सीन भाई। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ तो भाई भर भर के फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री का तो पूरा ऐसा लगता है ट्रक उलट गया हुआ है। ये फैक्ट्री, घर के बाजू वाली फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, इसके पीछे फैक्ट्री, वो सामने फैक्ट्री, वो वाली फैक्ट्री, वो वाली फैक्ट्री। क्या गर्मी है यार, मेरे को तो ऐसा धूप में जाने का मन नहीं कर, ऐसा लग रहा है मेरे को तो आग ही लग जाएगी यहाँ पे। मैं तो दिखाने आया था कि मेरे घर के एकदम साथ में फैक्ट्री कितनी बड़ी है। ये हमारा घर का कोठा है और ये फैक्ट्री देखो, बाप रे बाप, 42 डिग्री टेम्परेचर है यार, 42 डिग्री, 43 जाने वाला था, पता नहीं चला गया होगा उस हिसाब से। तो हमारा 2-3 मंजिला घर है, उसके बाद भी ये देखो भाई कहाँ छत उठा दी उन्होंने, ये फैक्ट्रियाँ हैं सारी। और यहाँ पे हमारा कुछ पड़ोसियों का घर है, चूतियों का घर है, भोसड़ी वालों का। ये इनको जितनी गाली दी जाए ना उतना कम है, पता है। हमारे मोहल्ले में ना सड़क बनी है गाड़ियाँ वाड़ियाँ आने जाने के लिए, पर हमारे मोहल्ले वालों के लिए वो बेड है, उनका नहाने वाला बाथरूम है, अलग ही इनका चलता है। कहीं तो बच्चे तो भाई वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे टहल रहे होते, पीछे से गाड़ी आ रही, वाड़ी आ रही, कोई देखना वेखना कुछ नहीं, बस बीच में आके बस फैल जाओ नीचे, फिर वो उनकी फिर माँ आएंगी लड़ने के लिए, हमारे लल्ला की टांग तोड़ दी है आप। दुनिया में जहाँ सुकून खत्म होता है ना, वहाँ पे हमारा कोई ना कोई भोसड़ी वाला हमारा रिश्तेदार जरूर होता है। अब हमारे एक रिश्तेदार है, शाम को आपको दिखाएंगे, जब फायदा चाहिए होता है, जब उनको तो कुछ दिखता है कि हमारा फायदा यहाँ पे है भी है, तो पीछे पीछे आएंगे, या ऐसे इनको कुछ मिल जाएगा तो गाना दिखाते चले जाएंगे, मिलवाएंगे आपको शाम को, नाम ही बताएंगे उनका नाम क्या है। धीरे धीरे तो यार गर्मी का कहर इतना बढ़ता जा रहा है ना, मेरे को तो उनका लग रहा है कि जो खेतों में टट्टी करेंगे, उसके बाद टट्टी करने में जो पत्थर रगड़ते हैं भाई, छाले तो जरूर पड़ते होंगे ना तुम्हारी गांड पे। बचपन में खड्डे में जाया करता था, ऐसा वो जो पत्थर होते थे उनको रगड़ा करता था चूतड़ों पे, छाले पड़ जाते थे गर्म गर्म पत्थर से, वो भी ऐसे दोपहर को तो हकने कभी मत जाओ, शाम को जाओ वो भी। आज तो यार बेस्ट है कि दोपहर को मस्त वाले अभी गाने सुनेंगे। भाई तुझे कैसे वाले गाने पसंद है? वही सेम शायराना? नहीं रंडी रोने। जैसी शक्ल है वैसे ही गाने पसंद आएंगे तुमको, और क्या ही होगा। दिल बिना बिना भी टूट गए। फाइनली गाइस मेरे को यूट्यूब की तरफ से एक लेटर आया है, मैं आज आप लोगों को वो लेटर पढ़ के सुनाने वाला हूँ। मेरे को लगता है मेरे ना काम से इम्प्रेस होकर उन्होंने ये लेटर भेजा, पर फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। डियर गोपाल केरनी, अरे हिंदी में लिखा है, प्लीज़ इस लेटर को बहुत गौर से पढ़िएगा, हमें आपसे कहने में बहुत थोड़ी शर्मिंदा सी हो रही है कि आप अपनी वीडियोस में काम अच्छा कर तो रहे हैं पर बकचोदी करना बंद करें। बेटी अपने काम पे अच्छे से ध्यान दें और वीडियोस को हो सके तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना रखें, छोटा वीडियो बनाएं और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बनाएं, अगर हो सके तो कुछ मोटिवेशनल। अरे बुक्स यार, इतना गुस्सा आ रहा है ना लेटर पढ़ के यार, मेरा कंटेंट है, मैं जो मर्जी कंटेंट बनाऊं, आपको ना होते मेरे को बताने वाले कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊं कौन सा नहीं बताऊं, लोगों को मोटिवेशन करूं, कहीं उनको गांड में ऐसे हाथ डाल के ऐसे धोने वाला तरीका बताऊं, मेरे ऊपर मैं जो मर्जी करूं। यार ये गलत बात है यार, जब मेरे को जिसकी ज़रूरत होती है ना वो बिल्कुल नहीं आता है, मैंने बोला था आज का आपको उससे मिलाऊंगा, वो तो आया नहीं, पर कोई बात नहीं, आज के ब्लॉग में नहीं तो कल वाले ब्लॉग में मिला देंगे, है तो फैमिली मेम्बर ही है वो भी, मिलाएंगे आपको।
बदला तो लेंगे हम भी, दिखा क्या उनको कितना छुप लेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये ब्लॉग? तो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उनको बोलो कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बने रहो मेरे चैनल के साथ, गोपाल केरनी के साथ। सी यू टुमारो, बाय।